नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो पत्रकारिता में अपनी मिसाल कायम कर चुके हैं, वीरेंद्र जी। हम वीरेंद्र जी से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर जो 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बना रहे हैं, उस पार्टी का भविष्य क्या होगा। एक एक डाटा वीरेंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि डाटा हैं, किताब हैं, बड़े बड़े जो महारथी किताब लिख कर चले गए हैं, तो इनका जो माइंड है किताब है। एक एक गणना, एक जाति की गणना, बिहार के एक एक विधानसभा को भली भांति समझते हैं। वीरेंद्र जी, आपका सबसे पहले कंट्री इनसाइड पे स्वागत है, लेकिन आप बताइए कि प्रशांत किशोर जो नई पार्टी 2 अक्टूबर को गठित कर रहे हैं, माने 24 घंटे के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी गठित हो रही है, क्या भविष्य देखते हैं? राजनीति में भविष्य आदमी तय करता है, समय तय करता है, परिस्थिति तय करती है। तो परिस्थिति समय क्या बनता है, समय के अनुसार निर्भर होगा। कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र है तो हर आदमी को प्रयास करना चाहिए। एक नए विकल्प की बात कर रहे हैं, बिहार में जब RJD, जदयू, भाजपा, कांग्रेस जो 4-5 पार्टियां हैं, आदमी उसे उब भी गया है, तो उस उब की दबा कितना बन पाएंगे प्रशांत किशोर, वो तो उनकी स्ट्रेटजी, उनकी रणनीति, जनता का भरोसा, मुख्य चीज जनता का भरोसा कितना हासिल करते हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं वो। तो हम मानते हैं कि पॉलिटिक्स में भविष्य कुछ नहीं होता कि क्या होता है, हमारी संभावना क्या है, और संभावना निर्भर करती है हमारी कोशिशों पे, हमारे समीकरण पे। बड़ी बात समीकरण है कि आपके पक्ष में कौन समीकरण है, किस जाति की गोलबंदी है, किस को आप साथ में कौन लोग हैं। तो पार्टियां कोई चुनाव के लिए लड़ता है, हर पार्टी मिलकर भी लड़ती है, 4-5 पार्टियां, कहीं RJD जदयू तो जदयू, भाजपा तो फल, तो उस समीकरणों में प्रशांत किशोर किन के साथ बनाते गठबंधन, अकेले चुनाव लड़ना पॉसिबल नहीं बिहार में किसी के लिए, किसी का उस बात नहीं है भाई, हर कोई करता है गठबंधन। जो सत्ता में बैठी पार्टी जदयू और भाजपा वो भी गठबंधन कर चुनाव लड़ती है, तो पूरे बिहार में सरकार बना के लड़ना किसी की बात नहीं है। प्रशांत किशोर के भविष्य पर आप तो ज्योतिष नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन बड़ी बात कह दिया कि अकेले बिहार में चुनाव लड़ना किसी भी पार्टी के बस। अब देखिए भाई, हम क्या करें, हम थोड़े कर रहे हैं, फैक्ट ही नहीं है। जदयू की 3-4 पार्टियां हैं, RJD 7-4-5 पार्टियां, तो कहाँ कोई चुनाव लड़ रहा है, अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं कि हम 243 पे लड़ेंगे, सब हवा हवाई दावा है। हाँ, तो अगर कोई गठबंधन, कितना देखिए हर आदमी क्षमता काम करने की, कितना काम कीजिएगा आप, इसलिए आदमी को अपने को बांध देता है कि भाई हम इतनी सीट लड़ेंगे तो हम हमारे रिसोर्स सीमित रिसोर्स है, सीमित कार्यकर्ता की सीमा है, उस तो उस सबको मिलाकर पॉलिश होती है। बिहार में जो जातीय राजनीति होता है, लालू प्रसाद यादव जहाँ गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, RJD में घबराहट है क्या? आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के पार्टी बनने से RJD के सेहत पर भी असर पड़ता है? किसी का भाई पॉलिटिक्स को असर पड़ता है, या पॉलिटिक्स में कोई किसी वोट काटता नहीं है, हासिल करता है अपने पक्ष में। प्रशांत किशोर वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि गांव में जाएंगे तो झाड़ू से प्रशांत किशोर की पिटाई होगी, आपको क्या लगता है कि शराबबंदी जो कह रहे हैं कि हम 15 मिनट में खत्म कर देंगे, आपके अंदर पत्रकारिता का एक बड़ा जीन है, आप पूरे बिहार को भली भांति समझते हैं, यहाँ के जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनको आप भली भांति समझते हैं, क्या लगता है आपको वीरेंद्र जी? क्यों सरकार को तय करना है, वो तो एक निर्णय, नीतीश ने एक कहा बंद बंद, अगर CM नीतीश ने कहा शराबबंदी बंद तो बंद, ये कहें खत्म तो खत्म, जब सरकार में रहेंगे तो कुछ हो सकता है। अरे एक CM का आदेश तो आदमी को मर्द को महिला, पुरुष और पुरुष को मतलब औरत को मर्द, मर्द को बना के अलावा सरकार कुछ बोल सकती है? नीतीश जी ने कहा कि बंद तो बंद, ये बोलेंगे खुल तो खुल। प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, हाँ बिल्कुल, किशोर पांडे हैं, हाँ। बिहार की राजनीति में क्या भविष्य उनका देखते हैं? देखिए प्रशांत किशोर पांडे हैं, अपनी जगह है, हर व्यक्ति की अपनी जाति है, चाहे वो यादव हो, चमार, दुसाद, भूमिहार, जो भी हो, सब बोटी गोलबंदी है। अगर ब्राह्मणों की जो जात संख्या नंबर ऑफ कास्ट है, लगभग स्वर्ण में सबसे ज़्यादा लगता है ब्राह्मण ही है, तो जो जिस जाति की आबादी ज़्यादा है तो बड़ा वोट उनके पास है, लेकिन उन वोटों को बांध पाएंगे बड़ा संकट है, क्योंकि आज की तारीख में ब्राह्मण सब भाजपा के साथ खड़े हैं। तो भाजपा जब हम बात करते हैं कि ब्राह्मण वोट काटेंगे तो नुकसान किसका होगा, आप कहते हैं कि कितना RJD होगा, तो सवाल कितना ब्राह्मण भाजपा कितना नुकसान होगा, अगर वोट ब्राह्मण के नाम पर ये वोट गोलबंदी करेंगे। इनका कहना है कि भाई देखिए 90 के बाद से ब्राह्मण मर गए पॉलिटिक्स में, बिहार ब्राह्मण की पॉलिटिक्स मर गई, हम प्रशांत किशोर ब्राह्मण की पार्टी, ब्राह्मण के नेता, ब्राह्मण का मुख्यमंत्री लेके आएंगे, तो अगर ब्राह्मणों में ये भूख पैदा कर पाए कि हमारे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वहाँ से भाग सकता है, लेकिन सब कुछ इसका तो घाटा भी होगा ना प्रशांत किशोर को, क्या ब्राह्मण को अगर लीड कराते हैं, ब्राह्मण का नेता अपने आप को बनते हैं, जबकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम नेता नहीं बनेंगे, नेतृत्व बिहार में नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, तो क्या अरे भाई आप बताइए, आप बिहार में नाम लीजिएगा प्रशांत जलसुराज, चेहरा दिमाग किसका नाम आएगा आपका? प्रशांत किशोर। तो फिर कैसे नहीं बनेंगे भाई, वो जो वाले पूरा फर्जी ना बोल रहे हैं जी, जिस पार्टी की पहचान उस व्यक्ति से है, प्रशांत जलसुराज की पार्टी नहीं है, उस संगठन में नहीं है, एक व्यक्ति पॉलिटिकल दुकानदारी है, वो
दुकानदार का आप ठेक ग्राहक कोई भी रहे किताब ये मतलब बेचने वाला उसका दुकान सेल्समैन दुकान का नाम किसे होता है जी 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 दुकान के मालिक से ये साहु जी किताब है फलना साहु राशन दुकान फलना पांडे शराब दुकान फलना पांडे दारू दुकान होता है ना। पार्टी की पहचान ठीक उसी तरह से जहाँ की एक व्यक्ति की पार्टी होती है एक व्यक्ति की पहचान की पार्टी होती है तो जन सुराज मतलब प्रशांत किशोर तो लाख कह लें कि हमारा कुछ ना खो कर हमें सब तोरे हवा तो रखा सका होते ही। तो सुन रहे थे बड़े राजनीतिक विश्लेषक बीरेंद्र जी को। बीरेंद्र जी ने साफ कह दिया कि प्रशांत किशोर भी एक दुकान चला रहे हैं और प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि हम नेता नहीं बनेंगे बड़ी बात बीरेंद्र जी की तरफ से कह दी गई है। बीरेंद्र यादव ने साफ कह दिया है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि हम नेता नहीं बनेंगे तो आखिर पोस्टर पर चेहरा किसका होगा, जनता किसको नेता मानकर वोट करेगी। साथ ही प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य पर बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है कि बिना गठबंधन के बिहार में आने वाले समय में राजनीतिक संभव नहीं है। हमारे सहयोगी आदित्य के साथ कौशलेंद्र पटना से।